हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ ग्लीसन के डेली क्लींजर के बारे में। तो ये जो क्लींजर है ये हैंडमेड है, हैंडक्राफ्टेड है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो मैं आपको इसी के बारे में बताने वाली हूँ और इसी के बारे में आपको एक डेमो देने वाली हूँ कि आप इसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी सबसे पहले ऊपर की बात करें तो यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये जो है ये ब्ली सेंट हैंडीक्राफ्टेड बॉडी लग्जरियस डेली क्लींजर है जो कि हबिस्कस एंड अंडजी की बीन्स कुछ होती हैं, मुझे नहीं मालूम क्या होता है, तो उससे बना हुआ है। अगर यहीं पे हम इसके पीछे की बात करें तो यहाँ पे इसके बारे में दे रखा है कि आपको इसे डेली एज ए स्क्रब की तरह से यूज़ कर सकते हैं। कुछ ड्रॉप्स पानी की या फिर गुलाब जल की आप इसे मिलाइए और अपने फेस पे लगा के इसे साफ़ कर दीजिए। तो ये जो है आपकी जितनी भी डर्ट और जितना भी कि मैं आपकी गंदगी होगी या आपके में कुछ भी होगा तो वो आपके फेस को साफ़ कर देगा और इसे एकदम क्लीन बना देगा। इसके अंदर इसके इंग्रीडियंट्स का दे रखे हैं जो कि मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, क्योंकि अगर मैं एक एक बताऊंगी तो वो काफ़ी लंबे चौड़े हो जाते हैं। तो इसकी जो नेट क्वांटिटी है वो है 15 ग्राम। तो ये 15 ग्राम का आपको मिलेगा। इसे यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगी एक वुडन स्पून। तो ये स्पून इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप किसी प्रोडक्ट पर अपनी उंगली डालते हैं या फिर उंगली करते हैं ज़्यादा तो वो प्रोडक्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि कोई प्रोडक्ट मेरा ख़राब हो, तो मैं इसलिए यहाँ पे वुडन स्पून यूज़ कर रही हूँ। अगर आप पे नहीं है तो आप प्लास्टिक के स्पून भी यूज़ कर सकते हैं। मेटल स्पून एक्चुअली रिएक्ट कर जाती है काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के संग में, तो मेटल स्पून मुझे नहीं पसंद है और ना ही आपको भी यूज़ करनी चाहिए। तो इसलिए आपको इसे यूज़ करना है इस वुडन स्पून की हेल्प से। तो अगर हम इसे खोलते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं इसकी एक अलग से प्रोटेक्शन है। आप जब इस वाइट प्लेट को हटाते हैं तब जाके ये आपका प्रोडक्ट खुलता है और इसके अंदर से निकलता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसे यूज़ करके। इसको आप जब हटा देते हैं देन आपको इसकी लीड हटानी है और ये जो पाउडर है वो इस तरीके से दिखता है आपको, कुछ कुछ इस तरीके का। तो यहाँ से आप इसकी हेल्प से इसे ले सकते हैं। थोड़ा सा लीजिए, जितना भैया आपके फेस के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, जितना आपको चाहिए। अपने हाथ पे रखिए और कुछ ड्रॉप्स पानी की इसमें जो है मिला लीजिए। तो पानी का आप मिलाएंगे तो ये एक हल्का सा पेस्ट बन जाता है, दरदरा पेस्ट बनता है। तो ये एज ए स्क्रब भी काम करता है और एज ए क्लींजर भी काम करता है। तो ये बेसिकली आपके फेस को एक साथ ही धोता भी है और उसके साथ साथ इस एक्सफोलिएट भी करता है ताकि जितनी भी डेड स्किन है वो आगे फेस में से हट जाए। तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। तो आपको करना ये है, इसका एक पतला सा पेस्ट बनाना है। इस तरीके से आप पेस्ट बना लीजिए और अपने फेस पर लगाइए। तो ये आप अपने फेस पर लगाएंगे तो ये एज ए स्क्रब वर्क करेगा, जो कि इसमें ग्रैन्यूल हैं थोड़े थोड़े से, तो वो आपके फेस को स्क्रब करते हैं और जो इसके अंदर बाकी सारा सामान है वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा स्मूथ बनाता है। तो ये कोई हार्श नहीं है और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और सॉफ्ट है। तो ये पूरे फेस के लिए आपको बहुत अच्छे रहेंगे और आपके फेस को बहुत ज़्यादा क्लीन करेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये आप लगाते हैं, थोड़ी देर से सूखने दीजिए ताकि ये थोड़े मास्क की तरीके से वर्क कर सके और आपके फेस को जो है काफ़ी अच्छे से जो है एक्सफोलिएट भी करे, साथ ही साथ आपको एक फेस पैक के जो है वो भी सारे बेनिफिट आपको दे सके। तो जब ये आपका हल्का हल्का सा सूख जाए, सेमी ड्राई हो, उस टाइम पे आप इसे धो सकते हैं। तो मैं इसे धो के अभी आती हूँ। तो दोस्तों, मैं जब इसे धो के आई हूँ तो मेरे को लग रहा है कि मेरा फेस जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो रहा है। एक्चुअली इसके अंदर जो है राइस फ्लो प्रेजेंट है, तो राइस फ्लो जो होता है वो आपकी स्किन को वाइट करने में बहुत हेल्प करता है, आपकी स्किन को वाइटनिंग के लिए प्रोवाइड करता है। और इसके अंदर प्रेजेंट है पपाया पाउडर, तो पपाया पाउडर जो होता है वो डेड स्किन वगैरह जो है वो हटाता है। एक्चुअली इसके अंदर सारे ही जो इंग्रीडियंट्स हैं वो नेचुरल एंड हर्बल है, तो ये आपकी स्किन पर कोई साइड इफेक्ट नहीं देंगे, बट सेम टाइम पे ये आपकी स्किन बहुत ज़्यादा एक्सफोलिएट कर देते हैं। तो उसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो एकदम रिफ्रेश सी लगती है और जो ये एक नेचुरल ग्लो होता है वो आपकी स्किन को देते हैं। तो हेल्दी लुकिंग स्किन अगर आप चाहते हो और आपको लगता है कि भाई हाँ ठीक है, हमें नेचुरल प्रोडक्ट्स ही यूज़ करने हैं, उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी इधर उधर का प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। आपको मार्केट में ये बहुत आसानी से मिल जाएगा और इसकी सबसे बेस्ट बात ये है ये हैंडमेड है। तो ये जो है सबसे अच्छी बात हो ही जाती है इसके अंदर। ब्ली सेंट जो है
काफ़ी अच्छी कंपनी है, इसके अंदर काफ़ी सारे प्रोडक्ट आते हैं लाइक लिप स्क्रब या स्क्रब, फेस क्लींजर और काफ़ी कुछ ऐसा है जो आप खरीद सकते हैं। और बेसिकली मैं इसकी बात करूँ तो इसके अंदर काफ़ी कुछ ऐसे इंग्रीडियंट्स प्रेजेंट है जो आपको नॉर्मली नहीं मिलेंगे। और अगर आप देखते हैं तो किचन में आप जाओगे अपने, वहाँ पर ये प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। लाइक यहाँ पे आपको मिलेगा हिबिस्कस पाउडर, तो आप हिबिस्कस का फ्लावर कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन वो अपनी प्रॉपर्टीज़ जो आपकी स्किन को ग्लो करने के लिए या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं। साथ ही आपको इसके अंदर मिलता है ओट्स, तो ओट्स जो है स्क्रब करने के लिए कितना अच्छा होता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। राइस पाउडर, एक्चुअली कोरियन में राइस पाउडर और राइस का जो वाटर होता है वो यूज़ किया जाता है अपने बालों के लिए, अपनी स्किन के लिए, ताकि आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो जाए, आपके बाल जो है बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएँ, तो राइस फ्लोर और उसका पानी जो होता है वो वहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली इसके अंदर सारे इंग्रीडियंट्स ऐसे हैं जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करना चाहोगे और उसके रिजल्ट जो होते हैं वो आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छा एक क्लींजर है, और अगर आप चाहते हो इसे घर में बनाना तो इसके अंदर जो इंग्रीडियंट्स हैं वो आपको घर में आसानी से मिल जाएंगे। तो वो सारे इंग्रीडियंट्स जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उससे भी यूज़ कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आप इसे शेयर भी कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आप चाहते हो कि इस तरह कोई क्लींजर मैं आपको DIY के थ्रू बताऊँ तो प्लीज़ नीचे कमेंट में बताइएगा, मैं आपके लिए एक DIY वीडियो बनाऊंगी इस क्लींजर की। तो क्योंकि इसके अंदर सारे प्रोडक्ट इस तरीके के हैं जो आप आसानी से मिल जाएंगे आपको, तो आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल आएगा। तो एंड में बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कर चुके हो देन थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने इतना कीमती समय अपना नहीं दिया होता मुझे तो आज मैं यहाँ पर नहीं होती, इसलिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी लोगों ने इतना कीमती समय जो है अपना मुझे दिया है। सो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।